हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम वसीम अकरम। मैं तेलंगाना स्टेट करीमनाड डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ। मैं पुलिस डिपार्टमेंट में नौकरी कर रहा हूँ। 2013 में मैं भर्ती हो चुका हूँ पुलिस डिपार्टमेंट में। अभी भी मैं पुलिस डिपार्टमेंट में वर्क कर रहा हूँ। मैं आप लोगों से एक छोटी सी विनती कर रहा हूँ। इंटर स्टेट लेवल में और इंटर इंडिया लेवल में हर स्टेट के लोगों से मैं एक विनती कर रहा हूँ। मैं तेलंगाना स्टेट करीमनाड डिस्ट्रिक्ट में एक स्टार ट्रेनिंग सेंटर के नाम पे एक ट्रेनिंग सेंटर ओपन कर रहा हूँ। वो ट्रेनिंग सेंटर जो भी लड़का होता है इंडियन आर्मी में ज्वाइन होने के लिए, वो लड़कों के लिए एक ट्रेनिंग सेंटर ओपन कर रहा हूँ। क्यों मैं ये ट्रेनिंग सेंटर ओपन कर रहा हूँ मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। प्लीज़ जो भी लोग देखते हैं, प्लीज़ आई रिक्वेस्टिंग टू ऑल इंडियंस, प्लीज़ ये वीडियो को देखिए और शेयर करिए। प्लीज़ पूरा सा वीडियो देखिए। आप लोग हर किसी के हर तरीके के वीडियो देखते हैं टिकटॉक फेसबुक में के यूट्यूब में के, लेकिन ये वीडियो जो है ना बहुत सारे गरीब लोगों को, बहुत सारे गरीब जो भी लड़का होता है वो लड़के के लिए बहुत यूज़ होता है। प्लीज़ ये वीडियो को देखिए और शेयर करिए। ठीक है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो भी लड़का इंडियन आर्मी में ज्वाइन होना चाह रहा है वो लड़कों को ट्रेनिंग देने के लिए मैं एक ट्रेनिंग सेंटर ओपन कर रहा हूँ। ये ट्रेनिंग सेंटर का स्पेशलिटी ये होता है कि आप लोगों को तो पता नहीं है कि जितने लोग, थोड़े लोग को तो पता है लेकिन बहुत सारे लोगों को पता नहीं है इंडियन आर्मी। आप लोग को तो जानते हैं कि इंडियन आर्मी तो बहुत कीमती इंडियन आर्मी है देश के लिए, वो एक तो जानते हैं, और 26 जनवरी को, अगस्त 15 को भी सैल्यूट मारना जानते हैं, ये तो हर कोई जानते हैं। लेकिन इंडियन आर्मी के में जो भी भर्ती होता है लड़का, वो कितनी मेहनत करना पड़ता है, उसका सिलेक्शन किस तरीके से होता है, उसमें कौन सिलेक्शन हो रहे हैं, आप लोगों को पता है क्या? इंडियन आर्मी में जो भी सिलेक्शन हो रहा है 95% गरीब लड़का ही सिलेक्शन हो रहा है। आप लोगों को पता है, हर कोई सॉफ्टवेयर जॉब से देखते हैं, आप लोग सिविल्स जॉब देखते हैं और ग्रुप्स लेवल के जॉब देखते हैं और लोकल डिस्ट्रिक्ट के पोस्ट देखते हैं, उसमें से थोड़ा बहुत तो पैसा वैसा वाला जैन होता है। क्यों जैन होता है? वो उसको कोचिंग के लिए पैसा मिलता है, वो कोचिंग सेंटर में जाता है, कोचिंग ले लेता है, उसमें जैन हो रहा है। लेकिन इंडियन आर्मी में जो होता है ना 95% गरीब लड़का ही सिलेक्शन में सिलेक्ट हो रहा है। क्यों हो रहा है उस तरीके से बोलते हो? क्योंकि इंडियन आर्मी में जाने के लिए बहुत सारे लोग अनइंटरेस्ट होते हैं। क्यों? घर से दूर रहना चाहिए, देश की सेवा करना चाहिए, कब क्या होता किसी को पता नहीं, ये तो आप लोग को जानते हैं, दिल से मानते हैं। तो उस तरीके से ही बहुत सारे आप लोगों को मैं बताना चाह रहा हूँ कि हर स्टेट में, ईच एंड एवरी स्टेट में एवरी ईयर आर्मी रिक्रूटमेंट गिरता है। वहाँ पर बहुत सारे लड़के जाते हैं, आप लोग देखिए, हर स्टेट में चलता है, एवरी ईयर 1 or 2 रिक्रूटमेंट हर स्टेट में गिरते हैं। वहाँ पर लड़के जाते हैं, 2 दिन का सफ़र करते हैं, आने जाने के लिए सफ़र करते हैं और वहाँ पर रहने के लिए पैसा खर्चा कर लेके 2 दिन वहाँ पर सफ़र करते हैं। लेकिन जितने लोग सफ़र करते हैं 100% लोग अगर आर्मी रिक्रूटमेंट रैली में पार्टिसिपेट करें तो 10% लोग ही उसमें कामयाबी पा रहे हैं। क्यों कामयाबी पा रहे हैं वो 10% लोग? बाकी लोग 90% लोग क्यों कामयाबी नहीं पा रहे बोलते? उसका रीज़न एक ही है, जो लोग 90% लोग कामयाबी नहीं पा रहे ना, वो लोग कहाँ पर भी उसको गाइडलाइंस नहीं रहता है कि सिलेक्शन किस तरीके से होता है और ये सिलेक्शन के में किस तरीके से प्रैक्टिस करना चाहिए, किस तरीके से प्रैक्टिस करते तो कामयाबी होते, वो लोग को गाइडलाइंस नहीं रहने की वजह से वो लोग कामयाबी नहीं पा रहे। जो ऑलरेडी 10% लोग जो क्वालिफाई हो रहे हैं उसमें से 5% लोग ऑलरेडी कोचिंग सेंटर्स में या अकाडमीज में वो लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं और बाकी 5% लोग उसके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज जिसको है, जिसका परिवार आर्मी में है, जिसका परिवार उससे जो टचअप है, वो लोग क्वालिफाई हो रहे हैं। लेकिन बाकी के जो 90% लोग हैं वो डिसक्वालीफाई होके जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? वो लोग को ट्रेनिंग सेंटर्स में जाके, कोई कोचिंग सेंटर में जाके कोचिंग लेंगे वो तो पैसा नहीं रहता है। क्योंकि आप लोग जाके सर्वे अभी भी करिए इंडियन आर्मी में, जो लोग ऑलरेडी भर्ती हो चुके हैं और जो भी इंडियन आर्मी के लिए ट्राई कर रहा है उसमें से 90% लोग गरीब लड़का ही रह रहा है, ये पक्की बात बता रहा हूँ मैं। आप लोग कहाँ पर भी इंक्वायरी कर लीजिए जाके इस तरीके, लेकिन वो गरीब लड़के कोचिंग सेंटर्स में जाने के लिए पैसा नहीं रह रहा है वो लड़कों के पास। हर स्टेट में यही हालत है, हर स्टेट में यही हालत है, क्योंकि छोटी एज में वो लोग को लेते हैं। 17.5 ईयर से लेकर 21 ईयर्स के लोग जो होते हैं ना, वो लोग को इंडियन आर्मी जवान के जैसा भर्ती किया जाता है। उतनी छोटी उम्र में घर वाले भरोसा नहीं करते कि इसको जॉब आती नहीं आती, हम लोग कोचिंग सेंटर में अगर पैसा भेजेंगे तो पैसा ख़राब होएगा, उसको आएगी नहीं आएगी पता नहीं। इस तरीके के गरीब लड़के, उसके फैमिली मेम्बर्स सपोर्ट नहीं करने की वजह से वो आगे नहीं बढ़ रहा है। लेकिन ये इंटरेस्ट वो लड़का क्या हो रहा है, गलत रास्ते में जा रहा है, 2-3 बार ट्राई कर रहा है, फेल हो रहा है, उसके बाद आके कुछ ना कुछ लेबर काम, वो काम, ये काम कर लेते हैं, उसकी ज़िंदगी आगे बढ़ा रहा है। क्यों इस तरीके से होना है यार? अरे यार, जाने वाले को इंकरेज करने के लिए तो हम लोग नहीं, हम लोग जब देश की सेवा नहीं कर रहे तो जाने वाले को इंकरेज करने के लिए क्या हो रहा है? उसीलिए मैं ये सोच के एक बात आगे बढ़ाने जा रहा हूँ, जो भी लड़का इंटर इंडिया लेवल में, जो भी स्टेट का लड़का हो, वो लड़के के लिए मैं ट्रेनिंग देने के लिए मैं एक ट्रेनिंग सेंटर ओपन कर रहा हूँ। वो ट्रेनिंग सेंटर में 8 एकड़ की ज़मीन के साथ, वो लोग रहने के लिए अकोमोडेशन के साथ ये ट्रेनिंग सेंटर ओपन किया जा रहा है। ये ट्रेनिंग सेंटर में हम लोग एक अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि एंटायर इंडिया लेवल का जो भी स्टूडेंट है, जो भी लड़का हो, उसमें आके ट्रेनिंग किया जाता है, ट्रेनिंग ले सकता है। लेकिन उसमें हम लोग 300 एडमिशन ही अनाउंस कर रहे हैं, 300 एडमिशन
क्योंकि ज़्यादा लोग रहने से हम लोग के ऊपर कंसंट्रेशन नहीं कर सकते हैं और सही भी नहीं रहता है, इसीलिए 300 आदमी का ये एडमिशन रहेगा और ये ऑनलाइन एडमिशन रहेगा। किसी का रिकमेंडेशन नहीं चलेगा, किसी स्टेट वाले का, किसी डिस्ट्रिक्ट वाले का, कहाँ से भी रिकमेंडेशन नहीं चलेगा। जैसे इंडियन आर्मी में रिकमेंडेशन किस तरीके से नहीं चलता है, कि इसमें भी यहाँ पर भी रिकमेंडेशन नहीं चलेगा। टोटल एडमिशन ऑनलाइन एडमिशन रखाया जाएगा, वो ऑनलाइन एडमिशन में जो भी ऑनलाइन एडमिशन कर लेता है 1 to serial number 300 वो लोग को हम लोग वहाँ पर एडमिशन दिया जाता है। अगर 300 एडमिशन में एवरी लड़के को 1 ईयर का 1 ईयर तक वहां पर रहने के लिए हम लोग चांस देते हैं। 1 ईयर में अगर जो भी नोटिफिकेशन गिरा उसको नौकरी आ गई तो वो बाहर चले जाता है। अगर 1 ईयर के अंदर उसको नौकरी आ या ना तो वे भी बाहर चले जाता है। अगर बीच में अगर नौकरी आ गई या कुछ प्रॉब्लम से थोड़े लड़के अगर बाहर भी चले गए तो जो भी सीरियल वाइज होता है 301 302 वो लोग को ही हम लोग एडमिशन में दिया जाता है वो लड़कों के लिए। ओके, ये आप लोगों को बताना है। उसमें टोटली जैसा पुलिस ट्रेनिंग सेंटर हम लोग का जैसा होता है, आर्मी ट्रेनिंग सेंटर जैसा होता है, उस तरीके से ट्रेनिंग सेंटर को मैं बनाने जा रहा हूँ। क्योंकि लड़के बहुत सारे लोग ट्रेनिंग सेंटर को जाते हैं, जैसा भर्ती होते हैं आर्मी में भर्ती हो, मेहनत करके भर्ती होते हैं, ट्रेनिंग सेंटर को जाते हैं, लेकिन वहाँ के जो पनिशमेंट्स होंगे, जो वहाँ के ट्रेनिंग होंगे वो देख के वो लोग बाहर आ जा रहे हैं। लेकिन वहां से नहीं, यहाँ से लड़कों को ट्रेन करके आगे बढ़ाना है। वहां पर जाने पर तो उसको कुछ भी नया नहीं देखना चाहिए, पुराना है। हम लोग ये देख के आए, उस तरीके से वो लोग का माइंडसेट को बदलने के लिए मैं एक ट्रेनिंग सेंटर को ओपन करने जा रहा हूँ। ये हर स्टेट के लड़के के लिए, नॉट ओनली तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, चित्तूर, नॉट ओनली कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, हर स्टेट के लड़कों के लिए मैं ये ट्रेनिंग सेंटर ओपन करने जा रहा हूँ। इसका खर्चा हो रहा है लगभग 4 करोड़ का खर्चा हो रहा है। इसके लिए मैं रजिस्ट्रेशन कर दिया हूँ, ट्रेनिंग सेंटर के नाम पे रजिस्ट्रेशन कर दिया हूँ, ट्रेनिंग सेंटर के नाम पे पैन कार्ड भी ले चुका हूँ, ट्रेनिंग सेंटर के नाम पे अकाउंट नंबर भी ले चुका हूँ। जो भी हर इंडियन से मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हम लोग बहुत सारे पैसा तो बेकार पैसा करते रहते हर दिन, कुछ ना कुछ मूवी को जाके या बिरयानी खा के या कुछ दारू हुए पी लेकर, हर किसी का पैसा तो कुछ ना कुछ डेली वेज में तो खर्चा करते ही रहेंगे। एक दिन का खर्चा, एक दिन का खर्चा, आप लोगों का खर्चा, प्लीज ये अकाउंट नंबर मैं नीचे मेंशन कर रहा हूँ, ट्रेनिंग सेंटर का अकाउंट नंबर, वो नंबर पे या पेटीएम या फोन पे भेजें। आप लोगों को डाउट आ सकता है, ये कौन है बंदा, तेलंगाना से आया है, पैसे पूछ रहा है, ये आप लोगों को डाउट आ सकता है, ये पैसा क्यों पूछ रहा है। मैं एक रिक्वेस्ट सही बात बता रहा हूँ कि मैं अभी तक नौकरी में जाने के 6 साल हो चुका है, अभी तक मैं 1 रुपया भी किसी गलत पैसा नहीं खाया। ये तो खुली मैं कसम खा के बता रहा हूँ, कसम खा के बता रहा हूँ, मैं किसी का 1 रुपया भी नहीं खाया मेरे तनख्वाह के सिवाय। उतना मैं फ्राम रहता हूँ। अभी तक मेरे लड़के में 46, मैं 3 साल से मेरा नाम स्टार फाउंडेशन के नाम पे मैं कोचिंग दे रहा हूँ। अभी तक ऑलरेडी 250 मेंबर्स की पुलिस की बैच एक हो चुकी है और एक आर्मी के, अभी तक मेरे आर्मी के लड़के 46 मेंबर्स लड़के ऑलरेडी आर्मी में हैं। अभी वो मेरे पास ट्रेनिंग करके गए, उसमें मैं ओनली फिजिकल कोचिंग दे रहा था। उसके बाद जैसा आर्मी में सिलेक्शन किस तरीके से होता है, फर्स्ट डे फिजिकल होता है, सेकंड डे मेडिकल होता है, अगर मेडिकल हो गया तो 45 डेज के बाद वो लोग को फाइनल एग्जाम होता है। इसमें 100% के हिसाब से मैं अगर बताया आया तो अगर फिजिकल वो क्वालिफाई हो गया तो 70% नौकरी उसके जेब में रहेगी। उसके बाद होता है मेडिकल, मेडिकल में अगर वो क्वालिफाई हो गया तो 15% नौकरी जेब में रहेगी। कितने हो गए, 85% तो यहाँ पे ही हो गया, लास्ट बचा 15%। वो 15% के लिए 45 डेज का टाइम दिया जाता है रिक्रूटमेंट बोर्ड, आर्मी रिक्रूटमेंट बोर्ड ने, 45 डेज 1 मंथ। तब वो लोग क्या कर रहे हैं मालूम है, ये जो कोचिंग सेंटर्स वाले वहां पे आ रहे हैं, पाम्पलेट बांट रहे हैं, जो भी मेडिकल क्वालिफाई होता है वो लोग को पाम्पलेट देके आप लोगों को हम लोग कोचिंग देंगे, अगर नौकरी आएंगे तो 1.5 लाख रुपए पे करिए, नहीं तो नहीं पे करिए, इस तरीके से वो लोग कर रहे हैं वहां पर। वो लोग को गलत नहीं मान रहा हूँ क्योंकि वो लोग की मेहनत की वजह से बहुत सारे लड़के आज आगे बढ़े, लेकिन गरीब लड़का क्या कर रहा है, पैसा नहीं रहने की वजह से वो कहाँ पे भी नहीं जा रहा, कामयाबी नहीं पा रहा है। उसीलिए मैं ट्रेनिंग सेंटर का प्रोसीजर शुरू कर रहा हूँ। मैं कसम खा के बोल रहा हूँ आप लोगों का, 1 रुपया 1 रुपया भी किधर भी वेस्ट नहीं जाएगा। मेरा वेबसाइट है www.starfoundations.in, में वेबसाइट भी डिस्क्रिप्शन में लगा रहा हूँ और बैंक अकाउंट डिटेल्स, पेटीएम, फोनपे का डिटेल भी मैं डिस्क्रिप्शन में लगा रहा हूँ। आप लोग को वेबसाइट में एवरी डे का स्टेटमेंट मैं वेबसाइट में अपलोड करूंगा, आप लोगों का किसी का 1 रुपया भी गलत रास्ते पर नहीं जाएगा, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि अगर वो पैसों में से अगर कुछ भी मैं रजिस्ट्रेशन के लिए या नहीं तो कुछ लैंड रजिस्ट्रेशन के लिए या नहीं तो कुछ तरीके से अगर मैं पैसा भी खर्चा करा फर्नीचर के लिए कुछ भी, वो वेबसाइट में ही मैं एक व्यू एक्सपेंस लिस्ट का फोल्डर बता रहा हूँ, वो व्यू एक्सपेंस लिस्ट में आप लोग देख ले सकते हैं कि मैं किसको पैसा खर्चा कराऊँ, वहाँ पर थ्रू प्रॉपर लगा रहा हूँ। क्योंकि ट्रांसपेरेंसी रहना चाहिए, जब अपने को भगवान ने, अल्लाह ने अपने को जब जिंदगी दिया है तो गलत रास्ते में क्यों जाएँ पैसा, हाँ जब हम लोग पैसा कमा रहे हैं तो क्यों गलत रास्ते में डालना है, ये सोच के ही कभी भी किसी का गलत रास्ते का पैसा अगर ले आना वो कभी ऊपर को नहीं आएगा, वो मेरा मानना है। उसीलिए वो मानने के हिसाब से मैं आज तक 3 साल से रनिंग कर रहा हूँ स्टार फाउंडेशन के नाम पे, किसी के पास से मैं नौकरी में भी नहीं लिया और ट्रेनिंग में भी नहीं लिया, और ये इंशाल्लाह और मैं लाइफ लॉन्ग कभी भी किसी के पास से पैसा नहीं लूँगा, गलत रास्ते का पैसा मेरे तनख्वाह के सिवाय मैं किसी का पैसा नहीं लूँगा। आप लोगों से यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़
आप लोग को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप लोग अगर सपोर्ट करें, इतने सारे इंडियंस हैं, इतने सारे व्यूअर्स देख रहे हैं, आप लोग हर कोई भी आप लोगों का एक दिन का खर्चा इसमें हम लोग को भेज दीजिए। हर कोई भी बच्चा, गरीब लड़का आगे बढ़ेगा। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक दिन का खर्चा आप लोगों का रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप लोग भेज दीजिए। आप लोग को पेटीएम, फ़ोनपे अकाउंट नंबर वहाँ पर मैं मेंशन कर रहा हूँ, प्लीज़ वो लोग को अकाउंट पर भेज दीजिए। ट्रेनिंग सेंटर के नाम पर, मेरे नाम पर नहीं है अकाउंट नंबर, समझे? ट्रेनिंग सेंटर के पैसे पे जाएगा। और स्टेटमेंट में अभी आप लोग चेक कर ले सकते हैं कि आप लोगों का पैसा है या नहीं है, कितना पैसा हो चुका है वो भी मैं बता रहा हूँ, फिर स्टेटमेंट के साथ रख रहा हूँ वेबसाइट में, क्योंकि किसी का भी ट्रांसपेरेंसी मिस नहीं होना चाहिए, वो मेरी ख्वाहिश है। उसीलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग हर कोई भी आपसे जितना हो सके उतना, एक दिन का खर्चा, दो दिन का खर्चा, कितना भी हो सके आप लोगों का पैसा उसमें पे करिए, अकाउंट में भेज दीजिए। अगर जो भी लड़का जो भी 2000 से ज़्यादा भेजते हैं, वो मोबाइल नंबर जो है ना पेटीएम का, फ़ोनपे का, उस पर व्हाट्सअप करिए। अगर 2000 रुपये से ज़्यादा भेजेंगे तो, क्योंकि 2000 रुपये से ज़्यादा जो भेजता है ना, ट्रेनिंग सेंटर में हम लोग उनका नाम वहाँ पर लगाया जा रहा है दीवार के ऊपर, जिसका नाम क्या है, वो कितना अमाउंट दिया है, कौन से डिस्ट्रिक्ट से है, कौन से स्टेट से, वो लोग का नाम भी हम लोग वहाँ पर रख रहे हैं। आप लोग कभी भी आके विजिट कर ले सकते हो, उतनी सारी थ्रू प्रॉपर से बना रहा हूँ। मैं रिक्वेस्ट हर एक से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हर एक बंदे से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपसे जितना हो सके उतना पैसा पे करिए, गरीब लड़कों को आगे बढ़ाइए। ये एक ही रिक्वेस्ट है मेरी, आप लोगों को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। थैंक यू, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।